हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट कुछ वीक्स की एक्टिविटीज़ मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं और इस दिन ऑफिशियल काम से हमें सर्विस ओंटारियो जाना था और काफ़ी स्नो हुई इस दिन। देखने में और फील करने में स्नो काफ़ी अच्छी लगती है, बट काम काफ़ी बढ़ जाता है स्नो से। स्नो ब्रश से पहले कार को साफ किया है, पूरी स्नो क्लियर करने के बाद ही हम लोग जा पाए हैं। और अपने घरों के आगे से भी सभी को स्नो साफ करना ज़रूरी है, अदरवाइज फाइन है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्नो साफ करना बहुत ज़रूरी है। और एक सॉल्ट आता है जिसे स्नो पर छिड़कने से स्नो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और पाथवे साफ करना इजी हो जाता है। हाईवेज साथ ही साथ क्लियर कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे। स्नो ब्रश, स्नो शॉवल और सॉल्ट, ये बेसिक तीन चीज़ें हैं जो बर्फ को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है घर में। सर्विस ओंटारियो से फ्री होने के बाद शाम को हम आए थे टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स। ये काफ़ी फेमस प्लेस है, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा यहाँ ब्रांडेड स्टोर्स हैं। जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो इस आउटलेट मॉल के अंदर एक ही शेड में मिल जाएंगे और इन आउटलेट्स पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी रहता है डेली बेसिस पर। यहाँ पर हम एंजल के अग बूट्स के लिए आए थे, काफ़ी फेमस और पॉपुलर ब्रांड है बूट्स में ये। यहाँ पर कनाडा विंटर्स के लिए ये बूट्स काफ़ी सूटेबल हैं और इनकी क्वालिटी की वजह से काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इन बूट्स को पहनना विंटर्स में। एंजल के लिए भी हम लोग यहाँ पर अग बूट्स के लिए ही आए थे, बट काफ़ी सारे स्टोर्स देखने के बाद भी इवन अग स्टोर में भी एंजल के फुट के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें बूट्स नहीं मिल रहे थे। ब्राउन्स यहाँ पर काफ़ी फेमस फुटवेयर स्टोर है जहाँ सभी टॉप ब्रांड्स के फुटवेयर मिल जाते हैं, बट इस दिन भी स्टोर में एंजल के फुट का साइज़ अवेलेबल नहीं था। बट कुछ दिन पहले हम लोग वॉन मिल्स मॉल गए थे जहाँ पर ब्राउन स्टोर में ही एंजल का फाइनली अग बूट्स हम लोगों को मिल गए। टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में कुछ स्टोर्स हमने चेक किए विंटर वेयर के लिए, बट पोलो रॉल्फ लॉरेन स्टोर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर और लार्ज वैरायटी है सभी विंटर वेयर्स में, और मैंने यहीं से अपना लॉन्ग कोट खरीदा है। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे ये कोट मुझे यहाँ से मिल गया है। काफ़ी लेट हो गए थे हम यहाँ पर और डिनर हमने यहीं पर किया ANW में, और ऑर्डर किया था हमने वेज बर्गर्स और अनियन रिंग्स और साथ में थी कॉफ़ी। अनियन रिंग्स काफ़ी टेस्टी है यहाँ पे। इस दिन काफ़ी ठंड थी यहाँ पर, एक्सट्रीम कोल्ड था, -15 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर था यहाँ पर। और ऐसी वेदर कंडीशन के लिए हमेशा ही प्रिपेयर्ड होकर निकलना पड़ता है घर से, वार्मर्स, ग्लव्स, कैप्स, जैकेट्स और इवन स्नो बूट्स भी अभी हमने खरीदे हैं अपने लिए। स्नो बूट्स के बिना इस स्नो पे चलना बहुत ही मुश्किल है। आइकिया कुछ हफ्तों पहले हम वापस गए थे डाइनिंग टेबल और चेयर खरीदने। फाइनली डाइनिंग टेबल हमने खरीद लिया है और ये बास्केट और कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने आइकिया से ही खरीदे हैं। आइकिया स्टोर में मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फर्नीचर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल के साथ डिफरेंट चेयर्स को मैच कर सकते हैं। सीट शेल और फ्रेम्स भी हम अपने कलर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ग्रे सीट शेल के साथ वाइट कलर चूज किया है फ्रेम का, ब्लैक में भी अवेलेबल था, तो ये सारे ऑप्शंस कस्टमर के पास अवेलेबल है। वैसे स्टोर में ऑलरेडी पेयरिंग की होती है फर्नीचर की, चाहे तो वैसे ही खरीद सकते हैं, बट अगर डिफरेंट टेबल के साथ डिफरेंट चेयर्स या फिर बेंच का कॉम्बिनेशन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। और मैंने जैसे इस डाइनिंग सेट को पेयर किया है चेयर्स और बेंच के साथ। हर कैटेगरी में इतनी लार्ज वैरायटी है आइकिया में, कभी कभी चूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। और सभी प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ पे पसंद आ रहे थे, क्वालिटी वाइज भी, प्राइस भी रीजनेबल हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, और स्पेस सेविंग ये फर्नीचर है, स्मॉल स्पेसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वुड और स्टील का कॉम्बिनेशन है इस डाइनिंग सेट में। सेपरेटली इस बेंच को घर में किसी भी स्पेस में, एंट्री वे, किचन, बालकनी या फिर लिविंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। एंजल का स्टडी टेबल भी हमने आइकिया से ही खरीदा है और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में शायद मैं घर के लिए और फर्नीचर आइकिया से ही खरीदूँ। लास्ट वीकेंड हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए न्यू मार्केट प्लेस लॉन्गोज में गए थे।
क्यूमॉन सेंटर भी हमें यहाँ पर दिखाई दिया। इनफैक्ट हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी क्यूमॉन सेंटर है। अभी कनाडा भी हमने एंजल का स्टार्ट नहीं किया है, बट डेफिनेटली जल्दी ही क्यूमॉन क्लासेस हम ज्वाइन करवाएंगे एंजल की। यहाँ लॉन्गोस काफ़ी पॉपुलर कैनेडियन रिटेल चेन है यहाँ पर ग्रॉसरी की। ये प्लेस काफ़ी पॉपुलर है यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। लोकली ये फ्रूट और वेजिटेबल्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं ओंटारियो में, और इस मार्केट प्लेस पर रिटेल किए जाते हैं। लोकल ये कैनेडियन रिटेल चेन है और मैक्सिमम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हर्ब्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ से जो मैंने सब्जियाँ खरीदी हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रही हैं। इनफैक्ट कल भी मैंने आलू बैंगन यहाँ से जो लेकर आई थी वो मैंने बनाए थे, काफ़ी फ्रेश थे इतने लंबे टाइम तक भी फ्रिज में रखने के बाद भी। मे बी ऑर्गेनिक है या लोकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, इस वजह से उनका शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, फ्रेश लंबे टाइम तक रहती हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स इंडियन स्टोर्स के अलावा बाकी कैनेडियन स्टोर्स में भी मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्गोज, वॉलमार्ट, इन सभी स्टोर्स में भी इंडियन ग्रॉसरीज अवेलेबल है। मुझे कई बार इंडिया वाली फील ही आती है जब मैं ऐसे मार्केट प्लेसेस पे जाती हूँ, और यहाँ का वेदर या प्रोडक्ट के ब्रांड्स ही थोड़े बहुत चेंज हैं, अदरवाइज यहाँ कनाडा में इंडियंस बहुत हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियंस अपने देश में तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं और बाहर आकर भी दूसरी कंट्रीज़ में भी इतना कुछ अचीव कर रहे हैं। फ्रिज को रीअरेंज और रीऑर्गेनाइज किया है मैंने। एक और स्टोरेज बॉक्स मैंने अभी ख़रीदा है फ्रिज के लिए, जिसमें कैप्सिकम और गाजर मैंने अलग से स्टोर करके रखी हैं। पील्ड गार्लिक ऑलरेडी जार में है, तो सेपरेटली कुछ उसके लिए कंटेनर खरीदने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दो फेमस डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बरार और नानक ब्रांड के, और ये पनीर और मखनी मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी है। दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली मखनी का वाइट बटर बिल्कुल फ्रेश है, और पराठों के साथ इवन एंजल को भी पसंद आ रहा है। ये दो अनसॉल्टेड बटर के पैकेट्स मैंने वॉलमार्ट से ख़रीदे हैं, वहाँ पर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि इससे घी काफ़ी अच्छा बनता है, तो मैंने अभी ट्रायल बेसिस के लिए दो पैकेट्स लिए हैं और अभी मैंने बनाया नहीं है। अगर घर में सबको टेस्ट घी का अच्छा लगा तो हो सकता है मैं इसी बटर से घर में आगे घी बनाऊँ। और ये यहाँ का फेमस स्किम्ड मिल्क है, और इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है, 4 लीटर का बैग है, और कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं है, ग्लूटेन फ्री ये मिल्क है, और प्रिजर्वेटिव्स कोई नहीं है, बट फ्रेशनेस काफ़ी लंबे तक रहती है इस मिल्क की। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।